हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप एंजल नंबर 5 देखते हैं और आपके कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, आपके रिलेशन सही नहीं थे और आप उन रिलेशन में अपना बेस्ट दे रहे थे, बट फिर भी कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं जो आपको बिना वजह डोंट बिना वजह बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और डोमिनेटिंग नेचर के हैं, उस दौरान अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं तो अब आपके साथ क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, जब आपको 555 नंबर देखना बार बार दिखना शुरू हो जाता है तो देखिए, पहले आपके साथ क्या होता था, आप उन लोगों की बातों को ना दिल पे लेते थे, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते थे और अपने आसपास नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर लेते थे। एक नेगेटिव बॉल आपके पास वो कहीं ना कहीं से फेंक रहे थे तो 10 चीज़ें आप अपने आप क्रिएट कर करके अपनी सोल को आप दबा रहे थे। बट जैसे ही अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आप सोल लेवल पर आप काम कर रहे हैं, आपको पता है ये सब आत्माएं हैं, कहीं ना कहीं मैंने इनके साथ ये अभी नहीं पास्ट में कुछ किया है तभी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो अब जो आसपास के आपके लोग हैं वो नेगेटिविटी ऐसे ही अब तक आएगी, आपको उनसे हाई फ्रीक्वेंसी में हो जाना है, आपने मन ही मन इन लोगों को बिल्कुल नेगलेक्ट करना है, क्योंकि अब आप हाई फ्रीक्वेंसी में हैं तो आप अपने आप ही इनको नेगलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इनको दुहाई देंगे कि हे ईश्वर, मैंने जो भी इनके साथ किया है अब आप, मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से आप इनसे माफ़ी मांगे और आप देखेंगे ये नेगेटिव लोग ना अपनी ही उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, जैसे ये सोचेंगे कि हमने क्या किया, पहले तो ये ऐसी थी। बस देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर से हुई है, वो इनको नज़र नहीं आ रही है, आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनको नज़र नहीं आती वो किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। उनको तो जैसे आप पहले दिखते थे ऐसे ही अब दिखते हैं, ये सोचते हैं पहले तो ये गुस्सा करती थी, ऐसे बोलती थी, वैसे बोलती थी, ये करता था, वो करता था, अब क्यों नहीं करता। अब आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना क्योंकि अब आप पॉजिटिव हो चुके हैं, पॉजिटिविटी से भर चुके हैं, अब आप देखेंगे आपको इन लोगों को हैंडल करना आ चुका है। अब आप एंजल नंबर 555 देखेंगे, आपके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन आ चुका है, नेगेटिव सिचुएशन से डील करना आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन अगर आ जाती है आप एकदम से डिप्रेस नहीं होते हैं और आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं अपने सोल के जरिए। पहले आप माइंड से सोचते थे बट आप सोल लेवल पर सोचते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।